अज आदत दा ॾींहुं है और आदत दा ॾींहुं मेरे सफर करण दा ॾींहुं होंदे। 10 बजे दा टाइम है और मैं नैशनल हाईवे दे उते सफर करेंदा पिया। अगो गाजी घाट आवण वाली है। अज वक्त मैं अपने सोने सिंधु को देख सा। सिंधु नाल मेरा रिश्ता बहु पुराना है। दरियाए सिंध नाल एक अजीब जही मुहब्बत है। ये मुहब्बत दा रिश्ता ही वास्ते है कि दरियाए सिंध साड़ी सरेकी धरती को शान बख्शी पाए। जिथों जिथों दरियाए सिंध गुजरदा पाए वो उन इलाके दे लोगों वास्ते खुशहाली घेंतन दे। ये सिंधु ही है जेंदे पानी दे नाल साड़ी ही धरती दे उते सबजाए। साढ़े सरायकी वसेब दे खूबसूरत शायर मखमूर कलंदरी क्या ही खूब आखिए। सिंधु तेरी सीढ़ उते बेड़ी असा ठेलिए। नीले नीले पानी विच फुल असा लोड़िए हैं। सिंधु तेरी खैर असा दम दम मंगिए। मच्छी असा नपिए पूंगे असा छोड़िए हैं। मैं गाजी घाट पुल तो गुजरदा पिया। दरिया दे विच पानी है लेकिन पानी बहु घट है। गाजी घाट 1985 दे विच बनाई गई है। गाजी घाट दे बनन दे बाद मुजफ्फरगढ़ ते मुल्तान दा डेरा गाजी खान नाल फासला बहु घट थी गए। मेरा आज इरादा हा कि 3 शहरों दा मैं विजिट करे सा। पहले कस्बा गुजरात कने सिनावा दे बाद कोटदू दे बाद मैं वला वापसी करे। गाजी घाट टप्पण दे बाद मैं गाजी घाट कस्बा गुजरात वाला रस्ता घिनसा। ते हूँ रस्ते दे उते सफर करेंदे हुए पहले मैं कस्बा गुजरात वेसा। कस्बा गुजरात दे बाद मैं सिनावा वेसा। ते सिनावा दे बाद मैं कोटद्दू वेसा। गाजी घाट कस्बा गुजरात रोड आ गए। मैं नेशनल हाईवे को खब्बे पासे मुड़त छोड़ दिते। हुण मैं कस्बा गुजरात वाले पासे वंजण वाली सड़क दे उते सफर करेंदा पिया। इंकु कोटद्दू रोड भी आदन ते गाजी घाट कस्बा गुजरात रोड भी आदन। रोड दे दूहे पासे कच्चे ते पक्के घर हैं ते कणक भी राधी पई है। ई रोड दे उते मैं पहली दफा सफर करेंदा पिया ते रोड दे दूहे पासे वस्तियां जेड़ियां आबाद हैं उन्हें दे बारे में को खास इन्फॉर्मेशन कोई नहीं। ए इलाके दरियाए सिंध दे पुआधी पासो आबाद हैं। ई इलाके दे विच कणक दी फसल राधी पई है। ए जेड़े इलाके दे विचो मैं गुजरदा पिया इंदा ना बागवाला है ते सड़क दी एक साइड दे उते बागवाला दा बोर्ड भी लगा खड़े। डांद रेड़े आले भी वेंदे पैन। ई इलाके दे विच कमांद राधा वेंदे ही वास्ते इत्थां डांद रेड़े बहु हैं। हुण मैं बस्ती बरोही दे विचो गुजरदा पिया। सड़क दे एक साइड दे उते कणक राधी पीए ते दूजे पासो कमांद राधा पए। ई इलाके दे विच कणक ते कमांद दियां फसलां राधियां वेंदियां। इत्थां कपाह भी राधी वेंदी है। सामने डांद रेड़ा आ गए जेंदे उत्ते कमांद लड्या वधे ते दूजे पासो ट्रक गुजरदा पए। ए ट्रक को क्रॉस करण दे बाद ते ई डांद रेड़े को क्रॉस करण दे बाद मैं अपना पंध अगू ते शुरू कर दिते। मेरे खब्बे पासो स्कूल दी इमारत है ते ई इमारत दे उत्ते स्कूल दा बोर्ड कोई नहीं लगा खट। सड़क दे दूहे पासो कमांद दा कचरा पै थिया ते एक ट्राली भी कमांद दी लोड थई खड़ी है। सामने एक चौक आ गए। एक सड़क पजाते वेली पिए ते बी सड़क पुआते वेली पिए। इत्था एक वड़ी मार्केट भी है जिथा ढेर सारिया दुकाना है। ई चौक दा नाम पुल डिंगा है। इत्था फ्रूट्स दिया ढेर सारिया दुकाना हैं ते ब्या दुकाना भी काफ़ी सारिया हैं जिथा जरूरियात दी हर चीज़ मिल वेंदी है। ते ई इलाके दे विच क्योंकि माल्टा अंब अमरूद वगैरह ज़्यादा रादा वेंदे ही वास्ते इत्था माल्टा ते बाकी जड़ा सब्जियां हैं उन्हें दिया ढेर सारिया रेड़िया में खड़िया हुआ डिठे। ई चौक को क्रॉस करण दे बाद मैं कस्बा गुजरात दो अपना सफ़र शुरू कर दिते। मैं कस्बा गुजरात दे इलाके दे विच दाखिल थी गया। मेरी एक साइड दे उते पार्को दी इमारत है। ई जेरे रोड दे उते मैं सफ़र करेंदा पिया ए पार्को दे दफातर कने थीत वेंदा पए। कस्बा गुजरात एक इंडस्ट्रियल एरिया है।
कस्बा गुजरात एक जरखेज इलाका है। ई इलाके दे विच जिहड़ियां फसलां राध्यां वेंदियां उहदे विच कणक, कपाह ते गन्ना, इहदे अलावा अंब, अमरूद ते माल्टे दे बागात भी हैं। कस्बा गुजरात तहसील कोटद्दू दा शहर है। पहले इहदा जिला मुजफ्फरगढ़ हा, लेकिन कोटद्दू दे जिला बनण दे बाद ए इलाका कोटद्दू दे विच शामिल थी गए। कोटद्दू कने इहदा फासला तकरीबन 34 किलोमीटर है। मुजफ्फरगढ़ कने इंदा फासला 32 किलोमीटर है ते डेरा गाजी खान कने इंदा फासला तकरीबन 47 किलोमीटर है। कस्बा गुजरात दे विच शामिल सारे इलाके दी आबादी तकरीबन 1,33,000 है ते इंदे 39 मौजे हैं। कस्बा गुजरात हुण एक बहु वड्डा शहर बन चुके ते इंदी आबादी भी वध गई है। कस्बा गुजरात दे विच पाकिस्तान दी वड्डी आयल रिफाइनरी पाक अरब आयल रिफाइनरी मौजूद है। कस्बा गुजरात दे विच PSO डिपो भी है पिया। ए आयल रिफाइनरी 1996 दे विच कायम कीती गई है ते ए रोजाना 1,00,000 बैरल तेल पूरे मुल्क दे विच इंकड़े सप्लाई कीता वेंदे। कस्बा गुजरात दे विच डिग्री कॉलेज भी मौजूद हैं। गर्ल्स वास्ते भी है पिया ते बॉयज़ वास्ते भी है पिया। इत्थां वापडा ग्रेड स्टेशन भी मौजूद है ते पोस्ट ऑफिस भी मौजूद है। मेरे खबे पासो पार्को हाउसिंग कंपलैक्स की इमारत मौजूद है। कस्बा गुजरात को विजिट करण दे बाद मेरी अगली मंजिल है सिनावा। मैं सिनावा आले पासे अपना सफ़र शुरू कर दिते। मेरी कोशिश है कि मैं जल्दी जल्दी सिनावा पुजा ते सिनावा दे बाद कोटद्दू पुजा। अगली वीडियो दे विच तुहाको सिनावा शहर दा विजिट करे सो ते उंदी तारीख दे बारे जानने दी कोशिश करे सो।